ये मैं धागा भी नहीं बांधी हूँ, तभी भी देखिए, देख सकते हैं आप मसाला बिल्कुल भी तेल में नहीं गिरा है। इस तरीके से आप लोग एक बार बना के जरूर देखिएगा। नमस्कार जी, स्वागत है आपके हमारे यूट्यूब चैनल में। आज मैं करेले के कलौंजी का रेसिपी बताने जा रही हूँ आप लोग से। ये मैं 500 ग्राम करेला ली हूँ और इसको मैं, कई आदमी ये छील लेते हैं, मैं छीलूंगी नहीं, इसको ऐसे ही रखूंगी, बस इसका डंडी काट लूंगी। करेले के मैं धो के रखे थे, देखिए डंठल में काट ली इसकी सारे। अब चलिए मैं इसको गैस पे रखती हूँ। ये देखिए कुकर के अंदर मैं ये छोटी गिलास से एक गिलास पानी डालूंगी, थोड़ी सी हल्दी डालूंगी, बिल्कुल थोड़ा सा नमक डालूंगी। इसके ही अंदर मैं ये करेलों को रख लूंगी। आज तेज गैस पे एक सीटी आने तक इसको इसमें पका लेना है, ठीक है। इस तरीके से आप लोग एक बार कलौंजी बना के देख, बंद कर देंगे, गैस को जला लूंगी, ठीक। एक सीटी दे दिया, गैस को मैं बंद कर दूंगी। अब चलिए इसका मसाला तैयार कर लेते हैं। ये देखो कितना बढ़िया उबल गया। चलिए इसको थाली में निकाल लेते हैं। ये देखिए कितना बढ़िया ये उबल गया है। ये ऊपर के मैं निकाली नहीं, इसलिए मुझे थोड़ा एक सीटी दिलवाना पड़ा इसको। देखिए अब ऐसे करके इसमें चीरा लगा लेंगे। ये देखो ये जो है ना, इसका हम निकाल लेंगे, इस फेंकेंगे नहीं, ये भी हम मसाला में ही डाल के यूज करेंगे। ये देखो, और हल्दी और नमक डाल के उबालने के बाद ना इसका कड़ुआपन जो होता है ख़त्म हो जाती है। ये सबके ऐसे में निकाल लूँगी। इसका ये साइड जो है ना, इसको खुली रखनी है और मसाला भरने में इसको बंद रखना है, नहीं तो मसाला गिरना, फ्राई करते समय ना मसाला गिरना शुरू हो जाएगा। देखिए सारे में कर ली, निकाल दी इसको। ये देखो जी, ये हमारी देसी चीज आ चुकी है और इसके ऊपर ये जो मैं निकाल के रखी थी ना करेले के अंदर से बीज, इसका ये मैं पीस लूँगी। मिक्सर में आप पीस सकती हूँ, लेकिन ज़्यादा बारीक हो जाएगी तो अच्छा नहीं लगेगा। सिलौटा पर पीस ली तो ज़्यादा अच्छा है। और कई आदमी कई तरीके से बनाते हैं, आप लोग कैसे बनाते हो हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये देखो मैं इसको पीस ली, अब इसको हम उठा लेंगे थाली में, और ये जो मैं मसाला भूजूंगी ना उसके साथ भुना जाएगा। ये मैं पीस लूंगी। हमारे पास आमचूर नहीं है, आपके पास है तो आप आमचूर डाल सकते हैं या कच्चा आम भी आप कूच के डाल सकते हैं। तो मैं अचार को इसमें पीसूंगी, आम का अचार है, तीन अचार में ली हूँ, मोटा मोटा मैं पीस लूंगी इसको। देखिए फटापन के लिए, ये देखिए चार बड़े साइज में मैं प्याज कट कर रखी हूँ, ये हरी मिर्च है और ये अदरक लहसुन मैं कूच के रखी हूँ। कई लोग बोलते हैं ना कि कलौंजी में, करेला कलौंजी में मिर्च नहीं पड़ता है क्योंकि वो ऐसे तीखा होता है, ये वाला तीखा थोड़े होता है, वो तो कड़वापन होता है, तो मैं मिर्ची भी डाल रही हूँ इसमें। अब चलिए चलते हैं गैस के ओर। देखिए कढ़ाई में रख ली, ये मेरी तेल वाली कढ़ाई है, हम इसी में जो भी फ्राई करते हैं इसमें होता है, इसीलिए थोड़ा इसका कलर है। इसमें मैं डाल लूंगी सरसों का तेल, लगभग 2-2.5 चम्मच, बड़े चम्मच से। इसी के साथ मैं डाल लूंगी जीरा, जीरा चटकने तक इंतजार करेंगे। इसमें मैं डालूंगी हरी मिर्च, इसी के साथ में डाल दूंगी प्याज को। अब ये अदरक लहसुन के जो पेस्ट है ना, इसको भी डाल लूंगी मैं। ये कलौंजी जो मैं बना रही हूँ ना छीलने के झंझट और ना ज्यादा देर पकाने के, बहुत जल्द हो जाती है ये। ये देखिए भून लिया है प्याज, अब इसी के साथ मैं डालूंगी थोड़ा सा मसाला। तो ये मैं घर में बनाई थी कलौंजी मसाला, अगर आपके पास है तो डालिए, अन्य तो जो मसाला आप सब्जी में इस्तेमाल करते हैं वो डाल सकते हैं। और एक चम्मच मसाला डाली हूँ, स्वाद अनुसार नमक, हल्दी एक चम्मच, ये थोड़ा सा लाल मिर्च मिला लेंगे, पानी डाल के इसको भून लेंगे। आइए 1-2 मिनट भूनने के बाद
ये जो मैं बीज पीस के रखी थी वो और अचार पीस के रखी थी उसको भी डाल दूंगी इसी के साथ, ये भी भून लूंगी। ये देखिए मेरा मसाला तैयार हो गया, अब इसको थाली के अंदर निकाल लेते हैं। इसमें हम भर लेंगे ऐसे चम्मच की मदद से, देखिए। और कई लोग होते हैं ना इसको ऐसे चिपका कर धागे से बांध देते हैं, मैं नहीं बांधूंगी, हमारे बच्चे थोड़ा देख के वो हो जाते हैं, मम्मी धागा से क्यों बांधी हो, मैं ऐसे रखूंगी। पूरा मसाला पूरे करेले के अंदर मसाला आर से पार पहुंच जाता है, ऐसे आप करके देखिएगा, जो फालतू होगा ये निकाल लेना। ये हमने एक एक करके सारे ही भर लिए, अब इसको फ्राई करने चलते हैं। कढ़ाई रख देंगे लगभग 100 ग्राम सरसों का तेल उसको फ्राई करने के लिए। ये देखिए तेल गर्म हो गया है, अब इसी में मैं डाल दूंगी करेले को एक साथ, दो तीन ले लेंगे, ये फ्राई होगा, इसको उलट पलट करके हम पका लेंगे। चलिए इसको पलट लेते हैं, देखिए एक तरफ कितना अच्छा कलर आ गया है, इसको दूसरी तरफ से होने देते हैं। ये देखिए कितना बढ़िया हो गया है, इसको निकाल लेंगे हम, ऐसे डाल लेंगे। इसको भी फ्राई कर लेंगे, देखिए ये भी हो गया, इसको भी निकाल लेंगे। और ये मैं पहले से उबालने के बाद ना एक से दो मिनट फ्राई करना है, ज्यादा देर नहीं फ्राई करिएगा क्योंकि ये तो पहले से पकी हुई है। ये देखिए हमारे कलौंजी तैयार हो गया है, अब इसको हम प्लेटिंग कर लेते हैं। और रेसिपी पसंद आया होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब शेयर लाइक करना मत भूलिएगा, ठीक है। ये मैं धागा भी नहीं बांधी हूँ, तभी भी देखिए देख सकते हैं आप मसाला बिल्कुल भी तेल में नहीं गिरा है। इस तरीके से आप लोग एक बार बना के जरूर देखिएगा।